आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ क्वेश्चन है कि डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलीमा ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज तो एक्सोलीमा एक्सोलीमा होती है मेंब्रेन ऑफ एक्सॉन मेंब्रेन ऑफ एक्सॉन तो एक्सोनल मेंब्रेन को ही एक्सोलीमा कहेंगे उसने कहा है कि डीपोलराइजेशन क्यों होता है डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन होने का एक ही कारण है और वो है चेंज इन पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल यानी कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो आरएमपी से रिप्रेजेंट करा जाता है वो था माइनस -70 मिलीवोल्ट हमने एक स्टिमुलस दिया और इसकी वैल्यू पॉजिटिव की चार्ज की तरफ बढ़ते हुए यहां पर आ गया मा माइनस फिफ्टी फाइव मिली तो जब ये इंटरनल एनवायरनमेंट इतना पोटेंशियल पर पहुंच जाता है तो उसके बाद जो एक्सोन जो एक की मेम्ब्रेन होती है इस एक्सोन की मेम्ब्रेन में कुछ सोडियम गेटेड आयन चैनल होते हैं जो इस कंडीशन में क्लोज हैं, और ये सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल वोल्टेज गेटेड चैनल का मतलब है कि ये चैनल केवल तभी खुलेंगे जब एक स्पेसिफिक वोल्टेज अप्लाई करी जाएगी। यानी कि -70 में ये क्लोज थे और जब -55 मिलीवोल्ट आ जाता है, तो इनमें जो लिड होगी, वो लिड ओपन हो जाती है इस तरह से। यानी कि अब जो बाहर सोडियम आयन है, वो अंदर जा सकती है। तो पे सोडियम आयन अंदर जाती है, तो इसका मतलब और इसी के कारण का होगा, क्योंकि अंदर इतना पॉजिटिव चार्ज यानी कि इतने सारे सोडियम आय अंदर आ जाते हैं कि इंटरनल एनवायरमेंट माइनस पचपन से चेंज हो जाता है टू तो प्लस थर्टी फाइव मिली वोल्ट तो इक्वल अमाउंट ऑफ एन ए का तो पास नहीं होता ओनली एन ए मूव इन साइड तो ये हो सकता है तो तो की हमेशा होगा का, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी जाएगी और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटा या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चौ चार सौ चार सौ पर